मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मोरिंगा या सहजन मानव जाति के इतिहास में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले पौधों में से एक है। मोरिंगा की खासियत यही है कि इसे पानी की कमी होने की स्थिति में भी उगाया जा सकता है। ये कई तरह के जरूरी पोषक तत्वों, खनिज पदार्थों और विटामिन का बेहतरीन स्रोत है। यहाँ तक कि दुनिया भर में इसे सुपर फूड कहा जाता है। अध्ययनों में सामने आया है कि सहजन सेहत के लिए बहुत लाभकारी होती है और इस वजह से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करने लगे। खाद्य पदार्थ के अलावा मोरिंगा का इस्तेमाल ईंधन, पशु चारा, उर्वरक और सौंदर्य प्रसाधन एवं इत्र में भी किया जाता है। मोरिंगा के पौधे का इस्तेमाल कई वर्षों से किया जा रहा है। 150 ईसा पूर्व भी मनुष्य द्वारा मोरिंगा के पौधे का उपयोग किया जाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर की सेना को हराने के लिए प्रसिद्ध मौर्य सेना प्रमुख सप्लीमेंट के रूप में मोरिंगा का सेवन किया करती थी। आयुर्वेद के अनुसार मोरिंगा में लगभग 300 बीमारियों का इलाज करने की क्षमता है। मोरिंगा की पत्तियों में ही बेहतरीन औषधीय गुण मौजूद होते हैं। सेहत वर्धक फायदों के कारण मोरिंगा को चमत्कारी वृक्ष कहा जाता है। सहजन उच्च रक्तचाप को कम करने में काफ़ी लाभदायक है। पोटेशियम की उच्च मात्रा वाले फल और सब्जियां उच्च रक्तचाप को रोकने में सहायक होती हैं। यह हरी सब्जियों की तरह सहजन में पोटेशियम, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मोरिंगा में केले के मुकाबले 3 गुना अधिक पोटेशियम पाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोगों के लिए मोरिंगा को अपने आहार में शामिल करना एक उत्तम विकल्प है। मोरिंगा शरीर में रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित रखने में प्रभावी है। इसमें मौजूद आइसोथियोसाइनेट और निजमिनिन जैसे जैव सक्रिय घटक धमनियों की मोटाई को बढ़ने से रोकते हैं और फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप के विकास को कम करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसकी पत्तियों का रस निकालकर काढ़ा बनाकर देने से लाभ मिलता है। साथ ही इसका काढ़ा पीने से घबराहट, चक्कर आना, उल्टी से भी राहत मिलती है। सहजन बच्चों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। ड्रमस्टिक यानी सहजन की फली में कैल्शियम पाया जाता है जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जिससे हड्डियाँ और दांतें दोनों ही मजबूत बनते हैं। इसे गर्भवती महिलाओं को देने से उनके होने वाले बच्चों में कैल्शियम की मात्रा भरपूर मिलती है, जिससे होने वाला शिशु तंदुरुस्त होता है। इसके साथ ही उसमें लोहा, मैग्नीज, फास्फोरस की उचित मात्रा पाई जाती है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। मोटापा और शरीर की बढ़ी हुई चर्बी को दूर करने के लिए मोरिंगा को एक लाभदायक औषधि माना गया है। इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है जो शरीर की अतिरिक्त कैलोरी को कम करती है और साथ ही वसा को कम कर मोटापा कम करने में सहायक होती है। सहजन की पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। माना जाता है कि चयापचय को बढ़ाने के लिए मोरिंगा का सकारात्मक प्रभाव होता है। यह आपके शरीर की कैलोरी जलाने में भी मदद कर सकता है। मोरिंगा की पत्तियाँ फाइबर युक्त होती हैं और वजन कम करने के लिए मोरिंगा को अपने आहार में शामिल करना एक अच्छा विकल्प है। सहजन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो आपकी त्वचा को कई प्रकार से संक्रमण से बचाते हैं। यह प्रदूषण, पसीना और कुछ रासायनिक उत्पादों की वजह से आपकी त्वचा पर मौजूद हानिकारक विषाक्त पदार्थों के प्रभावों को बेअसर करता है। आपकी त्वचा को प्रभावी ढंग से हाइड्रेट और डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा मोरिंगा में प्रोटीन अधिक होता है जो त्वचा की कोशिकाओं को पारा और कैडमियम के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। इसी कारण से मोरिंगा का प्रयोग कई त्वचा की देखभाल करने वाले उत्पादों में किया जाता है। सहजन में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चूंकि विटामिन ए त्वचा की सुंदरता को बनाए रखता है, इसलिए सहजन के तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रणाली के लिए भी किया जाता है। इसकी फली की सब्जियां खाने से या फिर मोरिंगा सीड्स का तेल लगाने से त्वचा में हमेशा चमक बनी रहती है, जिससे त्वचा शुष्क और मुरझाई हुई नहीं दिखती है। ड्रमस्टिक में लोहा पाया जाता है जो खून को साफ करता है, जिससे यह चेहरे पर होने वाले पिंपल्स को खत्म करता है और त्वचा की सुंदरता और चमक बनाए रखता है। मोरिंगा में मौजूद आइसोथियोसाइनेट प्रभावी रूप से पाचन तंत्र की विभिन्न समस्याओं जैसे अल्सर, गैस्ट्रिक और कब्ज का इलाज करने में उपयोगी होते हैं। यह दवा की दुकान पर मिलने वाली एंटासिड्स दवाइयों के एक बेहतर विकल्प है। सहजन में एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हेलिकॉप्टर पिलोरी और कैलिफोम बैक्टीरिया जैसे दस्त का कारण बनने वाले रोगजनक के विकास को रोकते हैं और दस्त जैसी अन्य समस्याओं को कम करते हैं। मोरिंगा ओलिफेरा का उपयोग करने से पाचन से जुड़ी सभी समस्याएं जैसे हैजा, दस्त, पेचिस, पीलिया, कोलाइटिस को दूर करने में सहायता मिलती है।
इसके लिए इसकी पत्तियों के एक चम्मच रस में एक चम्मच शहद और नारियल पानी मिलाकर पीने से इन सभी रोगों में आराम मिलता है। इसकी फली की सब्जियां बनाकर खाने से कब्ज जैसे रोगों से आराम मिलता है। साथ ही इसकी सब्जी से गुर्दे और मूत्राशय में जमी पथरी पिघलकर निकल जाती है। मोरिंगा सिरदर्द के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। सहजन में मौजूद सूजन और दर्द को कम करने वाले गुण होते हैं, जिसकी वजह से यह शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। यह गठिया जोड़ों का दर्द, माइग्रेन और सिरदर्द जैसे अन्य समस्याओं के इलाज के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। मोरिंगा की जड़ों से लेकर पौधे के रस तक इसका हर हिस्सा हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होता है। मोरिंगा के पत्तों का पेस्ट घाव पर लगाया जाता है और इन पत्तियों की सब्जियाँ भी सिरदर्द में राहत देने में मदद करती हैं। सहजन के पत्तों को पीसकर गर्म कर सिर में लेप लगाने पर इसके बीज को घिसकर सूंघने से सिरदर्द दूर हो जाता है। इस बीज का पाउडर उपयोग नशा उपचार के दौरान सिरदर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। ड्रमस्टिस के फायदे शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में भी है। प्लांट इंडस्ट्री ब्यूरो की शोध में पाया गया कि सहजन के फल का नियमित रूप से सेवन करने पर शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है और यह शुक्राणुओं की संख्या के साथ उनकी गतिशीलता दोनों को बढ़ाने में मदद करता है। मोरिंगा में जिंक की मात्रा पाई जाती है, जो शुक्राणुओं के उत्पादन और मजबूत लिंग निर्माण के लिए फायदेमंद है। सहजन का फल शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जाना जाता है। पुरुषों में यह शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने और वीर्य को गाढ़ा करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए सहजन का सेवन माहवारी संबंधी परेशानियों के अलावा गर्भाशय की समस्याओं से भी बचाता है। इस मामले में यह महिलाओं और पुरुषों दोनों को फायदा पहुँचाता है। मोरिंगा के कुछ अन्य फायदे भी हैं। मोरिंगा की पत्तियों के रस को निकालकर कान में डालने से कान का दर्द आसानी से दूर हो जाता है। सहजन में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि सर्दी जुकाम जैसे छोटी बीमारियों में भी दवा का काम करता है। सहजन की पत्तियों को पीसकर सिर पर लगाने से माइग्रेन से हमेशा व्यक्ति के सिर का दर्द ठीक हो जाता है। दांतों में लगाने पर कीड़े और मुंह के रोग जैसे पायरिया में इसकी पत्तियों को चबाने से आराम मिलता है। इसकी फली के सेवन से खून साफ होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है। सहजन की पत्तियों को सुखाकर उसकी चटनी भी बनाई जाती है, जो कि आंखों के रोग और रक्त की कमी में भी सहायक होती हैं। सहजन की फली का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के वक्त ज़्यादा दर्द नहीं होता और उन्हें होने वाले बच्चे स्वस्थ होते हैं। जिन लोगों के पैर में मोच आ जाती है, उनके लिए मोरिंगा की पत्तियों को सरसों के तेल में पकाकर मोच वाले स्थान पर रखने से जल्दी आराम मिल जाता है। साथ ही इसकी पत्तियां कई प्रकार के घाव और सूजन को भी ठीक करने में सहायक होती हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि मोरिंगा मधुमेह को कम करने और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रभाव देने वाला होता है। मोरिंगा के फूल पेट के कीड़ों को कम करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पित्त कफ और पित्त को संतुलित करती हैं। मोरिंगा से बालों के लिए भी बहुत लाभ पहुंचता है। मोरिंगा स्वस्थ बालों के लिए आवश्यक सभी पोषण तत्वों का एक भंडार है। सहजन में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, तांबा और मैग्नीज जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वस्थ बालों के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। विशेष तौर पर सहजन में मौजूद विटामिन ए, विटामिन ई की मौजूदगी इसे बालों के लिए फायदेमंद बनाती है, क्योंकि विटामिन ए के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और यह रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर सिर की त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं। बालों के स्वास्थ्य विकास के लिए भी काफ़ी लाभकारी हैं। सहजन की अत्यधिक मात्रा नुकसानदायक हो सकती है। यह जलन में वृद्धि का कारण बनता है, इसलिए जठर सूत या संवेदनशील पेट वाले लोगों को इस सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पित्त बढ़ाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के दौरान इसको लेना अच्छा नहीं माना जाता है। सहजन फल प्रोटीन, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसलिए यह गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सहजन के पत्ते, जड़ की छाल और फूलों को गर्भावस्था के दौरान नहीं लेना चाहिए। प्रसव के तुरंत बाद इसका सेवन नहीं करना चाहिए, हालांकि प्रसव के कुछ हफ्ते बाद यह प्रयोग में लाया जा सकता है। सहजन के पेड़ का हर हिस्सा जड़ से लेकर पत्ते तक शरीर के लिए लाभकारी होता है। यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। मोरिंगा का उपयोग निम्न रूपों में कर सकते हैं। मोरिंगा के बीज। मोरिंगा के बीज में फाइबर अधिक होता है, जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफ़ी फायदेमंद है। सहजन के पत्ते। आप मोरिंगा की पत्तियों का सेवन अच्छी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मोरिंगा की पत्तियों को सलाद में खाया जा सकता है या जूस बनाकर पिया जा सकता है। मोरिंगा पाउडर। खाना खाने के दौरान मोरिंगा पाउडर सूप और सब्जी में मिलाया जा सकता है, लेकिन खाना पकाने के अंत में या खाने से पहले पकवान में इसका मिश्रण करने से अधिक पोषण उपलब्ध होता है। मोरिंगा की फली।
मोरिंगा फली काफ़ी पौष्टिक होती है और इसे विभिन्न तरीकों से खाया जा सकता है, जैसे उबाल कर, तल कर, सब्जी में मिलाकर आदि। मोरिंगा या सहजन का किसी भी रूप और किसी भी समय सेवन किया जा सकता है। मोरिंगा खाने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अन्य फलों और सब्जियों की तरह इसका भी सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद।